नमस्कार, मेरा नाम रत्नेश शौर्य है और आप हैं श्री सुमित राणा जी। तो आज हम समाज के अंदर एक बहुत ही बड़े परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, जो हमारे युवा वर्ग और जो नई पीढ़ी जो आ रही है वो किस दिशा में जा रही है और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राणा जी, ये बताइए कि जैसे आजकल की पिक्चरें आ रही हैं और बॉलीवुड में और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं तो उनमें आ रहा है कि मी टू ये सब चल रहा है, ये टू मी टू क्या है जी टू, तो इसमें इसके बारे में क्या कहना है? आदरणीय रत्नेश जी, मैं ये कहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं ये समाज पर एक गलत प्रभाव डालने वाली चीज़ें हैं। और मेरा मानना है कि जो ये लोग ऐसा कर रहे हैं ये आजकल की जनरेशन को लेकर के भी थोड़ा सा भी ये नहीं सोच रहे हैं कि जो हम ये काम कर रहे हैं उसका सीधा सीधा फर्क आने वाली युवा पीढ़ी पर पड़ेगा। और इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां स्वच्छ छवि वाले लोगों पर भी जो है डालने के प्रयास पूरे पूरे कर रहे हैं, वो घटना 10 साल पुरानी है या 5 साल पुरानी है या 15 साल पुरानी है। मीटू का एक लोगो चल रहा है आज समाज के अंदर, जिससे किसी भी स्वच्छ छवि वाले पर भी कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो बंदे ने वो काम किया हो, किसी पर भी हो सकता है, हम पर हो सकता है। हम तो सबसे पहले अपने आप को लेकर के चलते हैं, आप पर हो सकता है। नहीं, हम पे नहीं हो सकता है देखिए, समय का कुछ नहीं क्योंकि पता क्योंकि है, हम तो 6 फुट दूर वो है आपकी बात सही है, ना। लेकिन समय इस प्रकार से किसको कर्ज अपने शिकंजे में ले ले, ये सब समय होता है। लोगों की सोच होती है कि हमें क्या काम करना है क्या नहीं करना है। अब तनुश्री दत्ता जी का मुद्दा चल रहा है, आपने देखा होगा बॉलीवुड में, और हमारे नाना पाटेकर जी जो ये काफ़ी अच्छे देशभक्त भी रहे हैं और आज भी हैं, और देशभक्ति को लेकर के भी वो काफ़ी प्रचलित हैं। और मैंने उनकी एक पिक्चर देखी थी तिरंगा, उन्होंने और राजकुमार जी के साथ काफ़ी अच्छा उसमें अपना देशभक्ति का परिचय दिया था, काफ़ी अच्छा अदाकारी करी थी। और मैं आज भी उस पिक्चर को देखता हूँ तो देशभक्ति का जुनून मेरे अंदर जाग जाता बिल्कुल है। सही बात। लेकिन ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो तनुश्री दत्ता जी हैं, उन्होंने ये इल्जाम लगा दिया कि सन 2008 में मीटू कैंपेन के चलते जो चल रहा है, जो एकदम आग की तरह फैल रहा है भारत के अंदर, कि 10 साल पहले ने उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया था। बिल्कुल देखिए, इंसान का स्वभाव, इंसान का व्यक्तित्व उसके काम करने से पता लग जाता है। मैं भारत की जनता को ये बताना चाहता हूँ, भारत की जनता से अपील करना चाहता हूँ, अगर मेरा काम गलत है तो जनता समझ जाएगी कि मैं कैसे कैसे काम करता हूँ। सही आपने ज़्यादा तो नहीं सुना होगा, बल्कि मैं तो देश की जनता से भी कहूँगा, नाना पाटेकर से भी कहूँगा, जो बेचारे इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, इल्ज़ाम उन पे लगा है, और जिस व्यक्ति पर इल्ज़ाम लगता है उसका एक एक दिन कैसे बीतता है ये हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आप देखें कि एक मूवी आई थी तनुश्री दत्ता जी की, शायद आपने देखी होगी, क्योंकि इस तरीके की मूवी के बारे में हम सुनते हैं, लेकिन जब सड़कों पे पोस्टर लगे रहते हैं ना तो उसमें दिख जाता है कि मूवी कैसी है। ये तो हो सकता है हमने पोस्टर देखा हो, लेकिन हमें मूवी वगैरह तो बहुत कम मूवी का देखा। नाम था आशिक बनाया आपने, अच्छा हाँ, नाम तो सुना है लेकिन देखा और नहीं। उसके अच्छा हमारे हीरो थे महामहिम इमरान हाशमी जी, महामहिम, अच्छा जो भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हैं इस प्रकार की मूवी बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल और सेंसर बोर्ड भी मतलब इस तरीके की मूवियों को पता नहीं कैसे पास कर देता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। जो काम आप अपने बच्चों के सामने अपने घर के अंदर खुलेआम नहीं कर सकते, देश की जनता को किस प्रकार का आपको हक है ये सब चीज़ें दिखाने का, टीवी टीवी पे आने का, हॉल में दिखाने का। पिक्चरें लगती हैं, देश के अंदर लगती हैं, गांव में, शहरों में, छोटे शहर में, बड़े शहरों में, राजधानियों में, स्टेट में,
हर इंसान को पता लगता है कि हॉल पर कौन सी मूवी लग रही है, वो किस प्रकार की है ये भी पता लग जाता है, क्योंकि उसकी फोटो देख करके हम पता लगा लेते हैं कि ये किस प्रकार की मूवी है। तो रत्नेश जी, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो तन्नुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का जो मैटर चल रहा है, ये समाज की स्थिति को और ज़्यादा बदनाम करने के लिए, समाज की जनरेशन को बिगाड़ने के लिए, यही चीज़ें हैं जो ये असामाजिक तत्व इस प्रकार के इल्जाम किसी सही व्यक्ति के चरित्र पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, अभी जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके जो मार्गदर्शक है या यूँ कहें कि उनके जो रोल मॉडल हैं, अगर वो तनुश्री दत्ता जैसे या जैसे आपने बोला इमरान हाशमी जैसे या और भी बहुत सारे हैं बॉलीवुड जगत में और है ना कलाकार बहुत सारे, तो क्या ऐसे रोल मॉडल होने चाहिए आजकल के युवा पीढ़ी के? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप और हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आपको पहले तो यही सोचना चाहिए कि हम काम क्या कर रहे हैं। जिसका काम होगा उसका नाम होगा, लेकिन काम सही है तो नाम सही होगा, काम गलत है तो नाम भी गलत होगा। अभी मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें फिल्मों से जुड़ी हुई हैं और हमारा जो सेंसर बोर्ड है इस तरीके की फिल्मों को पब्लिक के, बच्चों के, बूढ़ों के, जवानों के सामने पेश कर देते हैं, ये क्या सोच करके? देखिए, फिल्मों भी मैं सोचता हूँ कि एक टीचर का रोल अदा करती है। लोग सीखने वाले सीखते हैं, एंजॉय करने वाले एंजॉय करते हैं, और फिल्म के ख़त्म होने के बाद ताली बजा करके उसकी समाप्ति हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ पिक्चर की शुरुआत होना और एंड से मतलब नहीं, इसका मतलब है कि देश के अंदर अगर आप कोई पिक्चर बना रहे हैं, कोई अच्छी मूवी लाना चाह रहे हैं, वो देश हित में हो, किसी पार्टिकुलर चीज़ पे हो, देश के लिए हो, कुछ सिखाने के लिए हो बच्चों को, एक हीरो एक साल में एक पिक्चर दे या दो साल में एक पिक्चर दे, लेकिन वो बच्चों के लिए एक सीख बने, एक समाज के लिए सीख बने। इस प्रकार की ये जो चीज़ें हैं कि अब मीटू कैंपेन चल रहा है तो बच्चा बच्चा छोटा सा बच्चा हमसे पूछता है कि सर ये मीटू क्या है, हम भी टीचर हैं और हमें खुद उस बात को सुनकर के एक शर्मिंदगी महसूस होती है कि समाज के अंदर छोटे से बच्चों को ये पता लग गया कि मीटू और स्वीटू ये क्या कैंपेन चल रहा है। नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता का मुझे दुख है कि इस प्रकार की चीज़ें आई हैं और उन्होंने इल्जामात लगाए हैं। कि तनुश्री दत्ता जी से मैं कहना चाहूँगा, पहले तो आप अपना काम देखिए कि आपने आशिक बनाया आपने में क्या रोल अदा करा था। कागज़ के कुछ टुकड़ों के लिए आपने निर्वस्त्र होने का काम किया था, जो कि ये दशा देगा कि ये बता देगा कि आपकी दिशा और दशा क्या काम कर, तो वो जल्द से जल्द ख़त्म हो और सेंसर बोर्ड, भारत की सरकार भी, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत की सरकार को भी मज़ा आता है शायद इस प्रकार की चीज़ों को देखने और दिखाने में, क्योंकि सेंसर बोर्ड से ना तो ये कोई सवाल करते हैं, कोई भी पिक्चर ली, कोई भी पिक्चर आगे ट्रांसफ़र कर दी ये जानने से पहले कि इस पिक्चर का जो ये हॉल में लग रही है, जो टीवी पर आएगी, तो इस पर बच्चों का क्या फ़र्क पड़ेगा। आप एक तरफ तो बात करते हैं देश का युवा पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देने की, हमारे भारत देश में अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ। सरकार कोई भी हो, जनता को असुविधा ना हो, सरकार किसी भी पार्टी की आए, हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। जो वर्तमान में चल रही है, जो इससे पहले थी, या फिर जो 2019 में आने वाली है, किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। लेकिन जनता को सिस्टम चाहिए। देश के अंदर जनता अगर परेशान है, जनता अगर सड़कों पर है, जनता अगर आंदोलन कर रही है।